वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वंस अगेन वी आर गोइंग टू रीड द सेम चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। आप पैराग्राफ 10 इसमें देख पा रहे होंगे, नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय अवार्ड जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सबसे उच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, विद द कोवटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज। यह बहुत ही इच्छित पुरस्कार उनके हृदय में समाया हुआ था, उनके हृदय और आँखों में समाया हुआ था। ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, अनमोल या दुर्लभ प्रसन्नता से चमकते हुए ही सेड, उन्होंने कहा था, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यही भारत की सबसे समृद्ध परंपरा है या धरोहर है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिमी देश भी हमारे संगीत को सीखने के लिए हमारी तरफ आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार की यात्रा करने के बावजूद भी खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, जैसा कि उन्हें बड़े प्यार से कहा जाता है, खान साहब इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव, वह दुमराव और बनारस के बहुत अधिक पसंद करते थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये दोनों शहर उनके लिए संसार के सबसे अद्भुत शहर रहे थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन USA, एक बार उनके छात्रों में से एक छात्र उन्हें USA के एक स्कूल में हेड बनाना चाहता था, प्रमुख बनाना चाहता था। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, और उस छात्र ने वादा किया कि वहाँ मंदिरों का निर्माण करके बनारस जैसा ही वातावरण क्रिएट करेगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वह गंगा नदी को भी वहाँ ले जा सकेगा ट्रांसपोर्ट करके। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, बाद में वो याद करते हुए बताते हैं कि That is why whenever I am in a foreign country, यही कारण है कि जब कभी मैं बाहरी देश में होता हूँ, I keep yearning to see हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान देखने के लिए तड़पता हूँ। While in मुंबई, जब मुंबई में होता हूँ, I think of only बनारस, मैं तो केवल बनारस के विषय में सोचता हूँ। And the holy गंगा, और पवित्र गंगा के विषय में। And while in बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, I miss the unique मठा of दुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव के अनन्य या बहुत अच्छे मठों को याद करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की सांस्कृतिक विरासत और समृद्धि का एक पूर्ण या सबसे अच्छा उदाहरण है। वन दैट इफर्टलेसली एक्सेप्ट्स, जो बड़ी सहजता से स्वीकार करता है कि अ कोवेट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, कि एक धार्मिक मुस्लिम, कि उनके जैसा ही एक धार्मिक मुस्लिम या पाक साफ मुस्लिम बहुत ही स्वाभाविक ढंग से प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजा सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, एक दीर्घकालीन
बीमारी के बाद उस्ताद बिस्मिल्ला खां 90 वर्ष की अवस्था में 21 अगस्त 2006 को गुजर गए। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल। उन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से उनका अंतिम संस्कार किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। और भारतीय सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय मौन घोषित किया। सो टुडे वी हैव कवर्ड दिस लेसन एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। आई विल मेक यू रिटर्न ऑन द नेक्स्ट डे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।